भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को जब मौद्रिक नीति पेश की तब उनकी एक बात ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। हाथी घर आया था, वह अब जंगल लौट चुका है और उसे अब वहीं रहना चाहिए। अब आप कहेंगे कि आरबीआई के बैठक में तो रुपया, पैसा, ब्याज और लोन की बात होनी चाहिए, लेकिन यहां तो जंगल और हाथी की बात हो रही है। तो चलिए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये बातें क्यों बोली, आसान भाषा में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। असल में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जब महंगाई कंट्रोल करने की बात कर रहे थे तब उन्होंने हाथी और जंगल की बात की थी। अब इसके मायने क्या हैं वो समझिए। दरअसल मौद्रिक नीति का पूरा गणित यानी कैलकुलेशन ही महंगाई कंट्रोल करने का है। भारतीय रिजर्व बैंक को देश में महंगाई दर 4% के आसपास बनाकर रखने का मैंडेट दिया गया है। इसमें 2% के उतार चढ़ाव की छूट भी शामिल, लेकिन फिलहाल महंगाई दर जो है 5.1% पर है, यानी ये अब भी आरबीआई के 4% के मैंडेट पर नहीं आ पाई है। ऐसे में मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई इकोनॉमी में कैश फ्लो को मेंटेन करने का काम करता है, जो महंगाई को नीचे लाने में मददगार साबित होता है। इसलिए आरबीआई ने लगातार 7वीं बार भी महंगाई दर को 6.5% पर बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर ने महंगाई को हाथी क्यों कहा, इसकी दूसरी वजह यह भी है कि महंगाई को मैनेज करने में आरबीआई की बहुत मेहनत लगती है और कई सालों के बाद ये पिछले कुछ महीनों में 6% के नीचे आई। इसलिए शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई नीचे आई है, यानी हाथी जंगल लौट चुका है और इसे आगे भी बने रहना चाहिए, यानी हाथी को जंगल में ही रहना चाहिए। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको कहा कि कई सालों के बाद देश में महंगाई 6% के नीचे आई। ये मामला क्या है इसको भी आसान भाषा में समझो। अगर आप 2 साल पहले के आंकड़ों को देखेंगे तो पाएंगे कि देश में कोविड के बाद 2021 के अंत में महंगाई बढ़ना शुरू हुई थी, जो लगातार बढ़ती चली गई। अप्रैल 2022 में ये 7% के पास पहुंच गई और अक्टूबर तक आते आते तो इसने लगभग 7.5% का आंकड़ा छू लिया था। हालांकि इसके बाद इसमें गिरावट शुरू हुई, लेकिन अगस्त 2023 में एक बार फिर इसने 7% के स्तर को पार कर लिया। मौजूदा समय में देश की महंगाई दर 5% के स्तर से थोड़ी ऊपर बनी हुई है, यानी आरबीआई के 4% के मैंडेट पर नहीं आई है, इसलिए ये बातें कही गई हैं। अब जाते जाते महंगाई को लेकर जो गुड न्यूज है उससे भी रूबरू हो जाइए। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर आई है। आरबीआई ने करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए महंगाई के अनुमान को 4.5% पर रखा है। ये पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2023-24 के 5.4% के अनुमान से कम है, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में महंगाई में कमी आई। बता दें आरबीआई के अनुसार पहली तिमाही में मुद्रास्फीति के 4.9%, तो दूसरी तिमाही में 3.8% और तीसरी तिमाही में 4.6% और चौथी तिमाही में 4.5% रहने की संभावना है। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।